YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग लखनऊ। आज हम लोग जो है बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी। आज और उसी लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आज उसी पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसी में सीखेंगे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि कौन कौन सा इक्वेशन जो होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और कौन सा इक्वेशन जो होगा वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर कि देखिए, एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अगर इक्वेशन है वो अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा। लाइक डी बाय डीएक्स अगर आ रहा होगा, डी टू बाय डीएक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आ रहा होगा, या डी थ्री बाय डीएक्स क्यू अगर आ रहा होगा, ये सब के सब कोई भी इक्वेशन जिसमें है जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर प्रेजेंट है तो इक्वेशन हमारा जो हो जाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा इक्वेशन हमारा जो होगा वो लीनियर होगा और कौन सा इक्वेशन हमारा नॉन लीनियर होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि कोई भी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने आप में नॉन लीनियर हो सकता है, उसकी कुछ वजह है और वो वजह क्या है उसके बारे में बात कर लें कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर ओनली कब, जब ये पहला कंडीशन हो जाए आपका। पहला तो ये कि जो ऑर्डर जो डिग्री चल रही है डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, उसकी डिग्री जो है वो मोर देन वन हो जाए। ठीक है, तो पहला जो है वो है ये है कि द पावर आर इंडेक्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज मोर देन वन। पहली बात तो ये कि उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसका जो पावर है या जो इंडेक्स है वो एक से ज्यादा हो जाए। दूसरी बात कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी जो पावर है या इंडेक्स है उसकी वैल्यू भी एक से ज्यादा हो जाए। तो द पावर आर इंडेक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन, ये भी हो जाए। या फिर हम लोग बोलेंगे कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन। अगर ये तीन चीजें हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल जाती हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, नॉन लीनियर है। ये लिखा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ नॉन लीनियर ओनली व्हेन द पावर आर इंडेक्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज मोर देन वन। या फिर दूसरा तरीका आपका ये होगा, क्या ढूंढना होगा आपको, इंडेक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल या जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इंडेक्स हो या पावर हो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए। या फिर जो मल्टीप्लीकेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, अगर ये प्रेजेंट हो जाए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y = 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन से ऑर्डर का प्रेजेंट है, 2 का प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका ऑर्डर 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, हर जगह 1 है। इसका मतलब किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो इंडेक्स है या जो पावर है उसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम कितनी है, 1 है। इसलिए अपने आप में बोला जाएगा कि इसकी ऑर्डर और डिग्री 1 है, यानी ये लीनियर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग उठाते हैं यहां पर लेते हैं, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y = 0। अगर यहां देखा जाए तो इसका ऑर्डर कितना है, अभी भी इसका ऑर्डर 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री भी 1 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है, लेकिन ये अपने आप में लीनियर नहीं है। कारण क्या, लीनियर ना होने के लिए पहला केस इसका जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है,
रहा है और ये नॉन लीनियर से मैच कर रहा है, कारण ये है कि द पावर और इंडेक्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज मोर देन 1। ये एक ऐसा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जिसकी जो पावर आ गई कितनी आ गई, 1 से ज्यादा आ गई, इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तीसरा अगर हम लोग एग्जांपल यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं, लिखा हुआ है सपोज दैट d2y/dx² प्लस यहां पे लिखा हुआ 5dy/dx, यहां पे अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और चलिए 5dy/dx प्लस y² = 0, तो यहां पे हम लोग देखेंगे भाई आर्डर 2 है, डिग्री 1 है, लेकिन यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल आया है इसकी वजह से यहां पर इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इंडेक्स या पावर है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये भी कैसा अपने आप में नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगले एग्जांपल को अगर हम लोग देखें कि फोर्थ नंबर का एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है d2y/dx² प्लस y dy by dx प्लस 5 = 0। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो आर्डर 2, डिग्री 1, लेकिन यहां पर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर प्रेजेंट, और ये तीसरे कंडीशन को जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन, देन इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर। तो यहां पर क्या हो रहा है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन में आ रहा है, इसलिए ये इक्वेशन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं नॉन लीनियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहां पर, अगर ये क्वेश्चन हो जाए d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस x²y = 0, अगर ये हो जाए तो आप यहां पे देखेंगे कि x² मतलब यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो इंडेक्स या पावर है कितनी है, 2 है, लेकिन कहीं पर भी जो कंडीशन लिखा हुआ नॉन लीनियर के लिए वो इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं है, वनली डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में है या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में है, इसलिए ये जो इक्वेशन हो जाएगा ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यहाँ आर्डर 2 है और डिग्री इसकी कितनी है, 1 है, यहाँ पर देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, इसलिए ये जो हो जाएगा अपने आप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे, जज कर पाएंगे कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो है लीनियर होगा, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा नॉन लीनियर होगा। और ये आपके जो 5 एग्जांपल है, 5ों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमने क्वेश्चन ले रखे, इनका डिफरेंट रूप है जिसमें लोग देख पा रहे हैं कि कौन सा इक्वेशन हमारा जो है वो लीनियर और कौन सा नॉन लीनियर है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा लीनियर और नॉन लीनियर को लेके, अब इसी चीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रिलेशन के फॉर्म में हो, मींस डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हो, कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से जिस रिलेशन से जुड़े हुए होंगे वहां पे हम लोग देखेंगे तो किस तरीके से बताएंगे कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं होगा, एक रिलेशन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और वहां पर हमें जो है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये काउंट करना होगा कि उसका जो है ऑर्डर क्या होगा। डिग्री के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बिना सॉल्व किए ही हम लोग देखेंगे। तो यहां पे देख लीजिए कि इसका जो मीनिंग है वो ये है कि उसमें हम लोग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहां पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया होगा एक्स और वाई में तो वहां पर हमें यह देखना होगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ यहां पे बढ़ा लीजिएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यही अपने आप में क्या होगा, यही बता रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल यहां पर अगर हमारे पास है, सपोज दैट अगर y = और यहां पे लिखा हुआ है ax
प्लस बी वाई प्लस सी, या सिर्फ इतना लिखा हुआ है, एक रिलेशन दिया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमें ये जानना था कि इसका जो है ऑर्डर क्या होगा। ये अपने आप में एक लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन के इक्वेशन में हमें ये जानना है कि इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है वो कितना है, जो हमें दिख रहा है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, अभी देखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 3, जैसे काउंट कर लिया ए बी सी इज इक्वल टू 3, तो हम लोग देखते ही तुरंत बोल देंगे कि इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ऑर्डर इसका 3 नहीं होगा। हमें सबसे पहले ये देखना होगा क्या हम कोई इसमें से इलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग देखें, इस गिवन इक्वेशन में जो ये रिलेशन दिया हुआ है इसमें अगर हम लोग सी से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो शायद ये बन जाएगा ए अपॉन सी इंटू एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ए अपॉन सी, इसका एक नया नाम देते हैं सी वन एक्स, बी अपॉन सी को नाम देते हैं सी टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सी वन एंड सी टू आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई, इसलिए ऑर्डर कितना हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, न कि 3 होगा। तो यहां से क्या ऐसी वजह रही होगी कि यहां पर जो इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो 3 से 2 हो गया, तो देखिए यहां पर ए और सी में एक रिलेशन था कि ए अपॉन सी अपने आप में एक नया कांस्टेंट ही था, तो ए अपॉन सी की वैल्यू सी1 है, इसलिए यहां पर हम लोग हमेशा जो है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर देखें और उसे काउंट करके ही बता दें कि इसका ऑर्डर ये होगा तो गलत हो जाएगा। हमें वहां देखना होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 3 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में उसके कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसका जो होगा ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, ये तो आपका एक पहला एग्जांपल था, अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, यहां पर एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, और यहां पर ये इस बार रिलेशन है, इक्वेशन आपका यही है, इस बार दे दिया y = ax + by + c, और इस बार हमें यह जानना है कि इसमें जो है इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, तो हम लोग शायद देख पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है 1, 2 और 3, लेकिन आपके दिमाग में यह बात आएगा कि सर ने अभी जो है पिछले क्वेश्चन में बताया कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हमें यह देखना होगा कि इसमें जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, तो आप लोग इसे कम करने की कोशिश करेंगे, तो आप चाहेंगे कि सी से डिवाइड कर दें, और जैसे हम डिवाइड करेंगे, मैं करता हूं इसको, लेकिन आगे आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है इसमें एक्चुअल में, y अपॉन c इज इक्वल टू a अपॉन c इनटू x प्लस b अपॉन c इनटू y प्लस 1, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये अपने आप में एक कांस्टेंट होगा, y अपॉन c इज इक्वल टू, अगर इसे हम नाम देते हैं c1x प्लस सी टू वाई प्लस वन, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सी वन एक अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सी टू एक अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और सी एक अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब इसमें जो है हमारा ये वाला कंसेप्ट जो प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखा, ये कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि प्रोसेस तो हमने किया सही है, सब कुछ मेथड वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम नहीं हुआ, तो हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर कम हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कम हो रहा है तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम हुआ ही नहीं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी कितना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 ही है, इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस जो रिलेशन ये जो दिया हुआ है इसका अगर हम डिफरेंशियल अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितने का आएगा, 3 डिग्री का, 3 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। अगर आपके पास लिखा हुआ है y is equals to c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x plus c3 plus यहां पे हो जाएगा c4 e to the power c4 into x, ठीक है, c4 plus x c5 इसमें ये बन जाएगा c5 plus x। अब यहां पे हमें ये देखना होगा कि इसके लिए हम लोग क्या करें, तो हमें दिख रहा है C1, C2, C3, C4, C5, मतलब हमें जो दिख रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है 5, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा ये हमें देखना होगा। तो हम लोग यहां पे बात करें, अगर y इक्वल टू ये लिखा हुआ है C1 e टू द पावर x प्लस ये एक्चुअल में कितना लिखा हुआ C2 into e to the power C3 into e to the power 2x, मल्टीप्लीकेशन बेस जो है अगर सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है और इस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं, यानी ये अपने आप में मिलके एक कांस्टेंट बना रहा होगा। प्लस यही चीज यहां पे भी अप्लाई किया सकता है C4 into e to the power C5
into e to the power x, और अपने आप में ये क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट हो गया, तो e to the power x को एक पास कर लेते हैं, y is equals to, ये हो जाएगा c1 plus c4 e to the power c5 into e to the power x plus, और ये बन जाएगा c2 into e to the power c3, ठीक है, into e to the power 2x. अब ये हमें दिख रहा है यहाँ पर कि y is equals to कितना लिखा हुआ, ये है अपने आप में क्या c1 c4 c5, है तो अपने आप में कांस्टेंट ही, ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, माना कि ये कैपिटल a है, तो ये हो जाएगा a e to the power x, और इस कांस्टेंट को हम नया नाम दे दे रहे हैं b, तो ये बन जाएगा b e to the power 2x. अब आपको शायद दिख रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 5 नहीं है, मतलब इसका ऑर्डर 5 नहीं होने वाला है, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो कितना है, 2 है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर हो गया इसका 2, न कि इसका ऑर्डर जो है ऊपर से देख के हम लोग 5 बोलेंगे, ऑर्डर इसका 5 नहीं होगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है. अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग, और एग्जांपल नंबर 4 कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, और ये आपको दिया हुआ है लाइक दिस, y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी. अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हुए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे है, एक यहाँ है, लेकिन है कैसा, ये अपने आप में c है, एट ए टाइम c की जो भी वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, लाइक c इक्वल टू 0 हो या c इक्वल टू 1 हो या c इक्वल टू 2 हो, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास कितना है, एक ही है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ऑर्डर की कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, ऑर्डर इसका हो जाएगा आपका 1. तो इस तरीके से हम लोग देख के बता पाएंगे कि किसी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन में जो है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, और उसे देख के हम लोग बता पाएंगे कि उसका ऑर्डर क्या होने वाला, मतलब कितने टाइम्स हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग हम लोग ये बता पाएंगे कि उसका जो है डिग्री क्या होगा. ओके, डिग्री डायरेक्टली बताने का हमारे पास कोई रूल नहीं है कि हम लोग देख के बता पाए, जब तक हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे कि उसकी डिग्री कितनी आ रही है. अब यहां से जैसे ही हम ऑर्डर अगर बता पा रहे हैं तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि, तो अगली हेडिंग हम लोगों की है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इलिमिनेट करेंगे. एक बात और जान लीजिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है. अगर कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है लेकिन उसमें साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है तो वो अपने आप में जो है कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे नहीं बोलेंगे, बिकॉज हम लोग एक इंटरमीडिएट स्टेप पे जो है अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंटरमीडिएट स्टेप पे हम उसे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे. तो डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोला जाएगा, जब उसे हम फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कर लें. तो अगला जो टॉपिक है वो यही है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि आप सबसे पहले काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी, इसके स्टेप क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं. पहले स्टेप पे अगर हम लोग चलेंगे, स्टेप नंबर 1, काउंट, क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. अगर ये काउंट हो गया तो हमारा क्या फायदा हो गया, फायदा ये हो गया कि हमें ये पता चल गया कि इसका ऑर्डर कितना हो गया. तो यहां से हम लोग शायद बता पाएंगे कि ऑर्डर इसका कितना आ गया. जब ऑर्डर हमें पता चल गया तो हम लोग स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, और स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 2 में हम लोग बोलेंगे कि अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. लेकिन कितने टाइम्स करेंगे उसे डिफ्रेंशिएट, वो कौन बता रहा होगा, स्टेप नंबर 1 जो कि हमें बता दिया नंबर कितना है और उसी के हिसाब से हम लोग ऑर्डर डिसाइड कर लिए. तो स्टेप नंबर 2 में डिफरेंशिएटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स
कहां तक, जहां तक उसका ऑर्डर है। मान लीजिए अगर ऑर्डर टू का है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ऑर्डर अगर थ्री है तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर ऑर्डर वन है तो हम लोग उसे वन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ यहां से जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास, मान लीजिए अगर हमने दो बार डिफरेंशिएट किया तो हमें कितने इक्वेशन मिल गए, एक तो हमारे पास जो रिलेशन था डिपेंडेंट वेरिएबल का, और अगर हमारे पास दो बार डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गए कितने, दो और इक्वेशन, तो दो और एक मिलकर कितने हो गए, तीन। इसका मतलब यहां से एक नोट कर सकते हैं हम लोग कि हमारे पास जो होगा अगर ऑर्डर एन होगा, ठीक है, इफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर एन हो गया तो हमारे पास टोटल इक्वेशन कितने होंगे, टोटल इक्वेशन हमारे पास हो गए एन प्लस वन, क्योंकि एक रिलेशन वाला हो गया और जितने टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किए हैं वो हमारे पास एन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मिल जाएंगे, और एक हमारा रिलेशन वाला मिल जाएगा, तो हमारे पास टोटल हो गए एन प्लस वन इक्वेशन आ गए। अब इस एन प्लस वन इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री की तरफ बढ़ेंगे, और स्टेप नंबर थ्री में हम लोग देखेंगे कि टू इलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एन प्लस वन इक्वेशन। तो हम लोग बोलेंगे टू इलिमिनेट the arbitrary constant, to eliminate the arbitrary constant with the help of above मतलब कौन सा, जो आप differentiate किए होंगे n plus 1, जो differential equation मिला होगा, with the above n plus 1 differential equation जिसमें n जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक रिलेशन है, इसका यूज करते हुए हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे, और जैसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा इलिमिनेट हो जाएगा जो इक्वेशन हमें ऑब्टेंड होगा वही इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग एक बात बोल सकते हैं, नोट करके बात लिख सकते हैं, नोट कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल equation is always free from arbitrary constant, हमेशा जो है एक differential equation जो होगा वो free from arbitrary constant होगा, और अगर आप eliminate नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी उसे नहीं बोलेंगे कि हमारा जो है वो differential equation है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक intermediate step है। तो इस तरीके से हम लोग formation of differential equation देख सकते हैं, और अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जो है उस चीज को जो है आप लिख दीजिए, हमारे पास मैसेज आ जाएगा और हम जो है उसका जवाब आपको दे देंगे कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे सोल्यूशन आप करेंगे, ठीक है। और हमारा जो है एक तरीके से हम लोगों का ऐप भी है, और उस ऐप पे भी अगर आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको किसी चीज के बारे में ज्यादा चाहिए, अगर आपको पढ़ना है तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, आपको क्वांटम क्लासेस के नाम से ऐप भी मिल जाएगा, और उस पे हम लोग जो है सारा लेक्चर प्लान वगैरह पढ़ा हुआ है, उस पे कंटेंट पीडीएफ वगैरह में भी है, वीडियो लेक्चर भी है, तो वहां से आप डाउनलोड करके और चीजें भी सीख सकते हैं। तो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।